नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं रीवा के सुपर अस्पताल में, ऑक्सीजन, जहां पर जी हां, आज की जरूरत की सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रही है, उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है आदमी को सांस लेने में आती। जब सांस लेने में समस्या आएगी तो ऑक्सीजन ही जीवनदायिनी है। ऑक्सीजन को हम हालांकि आमतौर पर हवा से ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मरीज को शुद्ध ऑक्सीजन देने के लिए यहाँ पर एक प्लांट लगाया गया। रिकॉर्ड 50 घंटे में इस प्लांट को चालू कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, पहले हवा से ऑक्सीजन बनाने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधे हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं। हवा में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 1% में बाकी सब कुछ होता है। हवा से ऑक्सीजन कैसे बनती है, यही जानने समझने के लिए हम मौजूद हैं सुपर अस्पताल में नीरज जी के साथ। नीरज जी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये हवा सबसे पहले आप लेकर कहाँ पर आते हैं? हम यहाँ से हवा को लेते हैं, इस पे हवा एटमॉस्फेयर से हिंचते हैं, और हिंच के हम एक रिसीवर टैंक है जहाँ पे हम स्टोरेज करते हैं एयर को। ये रहा रिसीवर टैंक, इसमें हम स्टोरेज करते हैं। इस रिसीवर टैंक में आप स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं हवा, वहाँ इकट्ठा करते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद का प्रोसेस, फिर हम हवा को एक एयर ड्रायर मशीन होती है जिसके थ्रू हम इसको फिल्ट्रेशन करते हैं, जो डस्ट है मॉइस्चर है उसको हटाते हैं। उसको हटाने के बाद फिर एयर को हम आगे ले जाते हैं, जो 1-2% हमारा डस्ट या मॉइस्चर रह जाता है उस फिल्टर से वो भी क्लीन हो जाता है। उसके बाद प्योर एयर ड्रायर ड्राई एयर जो होती है वो आगे लाइन में चली जाती है। इस पे जो भी आपके ये जो भी फिल्टर लगे हैं, हाँ, जो भी मतलब हल्का फुल्का भी जो प्रॉब्लम जो होती भी है एयर ये 0.005 का माइक्रोन का फिल्टर है, ये प्योर डस्ट एकदम खत्म कर देता है, एकदम शुद्ध कर देता है। उसके बाद फिर हम आगे को लेके चलते हैं, और उसके बाद ये ऑक्सीजन प्लांट है, इसमें हम इसको देते हैं सर जी। इसके बाद यहाँ पे प्रक्रिया चालू होती है ऑक्सीजन बनने की सर जी। इसमें हम हवा नीचे से देते हैं, जो ऑक्सीजन होती है वो ऊपर की ओर उड़ जाती है, नाइट्रोजन नीचे की ओर बैठ जाती है, और ऑक्सीजन निकल के ऑक्सीजन टैंक में स्टोरेज हो जाती है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, नीरज जी मैं रोकूंगा आपको, ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर से हवा आती है, उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया होती है। नाइट्रोजन क्योंकि ऑक्सीजन से वजनी होती है इसलिए वो नीचे रह जाती है, ऑक्सीजन यहाँ से ऊपर आ जाती है। ये जो ये लगा हुआ ये क्या है, जरा बताइए। ये घड़ी है जिसमें हम प्रेशर देखते हैं, कितना हमारा एयर का प्रेशर जा रहा है, कितना प्रेशर होना चाहिए इसमें, 5 kg का प्रेशर होना चाहिए। और यहाँ पर ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, टच स्क्रीन है ये, इससे हम कंट्रोलिंग करते हैं, इससे हम स्टार्ट स्टॉप करते हैं, इसमें हम पूरा प्रेशर अपना कैलकुलेट कर रखे हैं, ये सब हम प्रोग्रामिंग कर रखे हैं इसको। पूरी तरीके से नीरज जी ने तैयारी कर ली है ऑक्सीजन रीवा के अस्पतालों में सप्लाई करने के लिए। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं बन रही है, डायरेक्ट ये हवा से ही ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद का सफर कहाँ पर होता है, जरा ये भी ले चलिए बताइए। ऑक्सीजन इन वालों के थ्रू और ये पाइपलाइन के थ्रू होते हुए ये अंदर एक रिसीवर टैंक लगा रखा है, जो ऑक्सीजन रिसीवर टैंक है, इसमें फिलअप हो जाता है सर। यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाती है, जब इसमें हमारा 5 kg का ऑक्सीजन आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, तब फिर हम इसको वाल्व में खोल देते हैं और सेंट्रल लाइन के थ्रू हॉस्पिटल में वार्ड टू वार्ड चली जाती है लाइन के थ्रू। दर्शकों, ऑक्सीजन बन चुकी है, जहाँ पर हम मौजूद हैं ये ऑक्सीजन यहाँ पर कलेक्ट हो गई है, 95% प्योर ऑक्सीजन यहाँ पर कलेक्ट हो गई। अब आप ये देख रहे होंगे तमाम तरीके की पाइपलाइन, एक पाइपलाइन तो ये है जो यहाँ से सीधे अस्पताल में उन मरीजों तक पहुँचती है जहाँ पर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जीवनदायिनी। जी हाँ, कोरोना वायरस, मैं आपको फिर से बताऊँ, कोरोना वायरस संक्रमण में ऑक्सीजन ही सबसे ज़रूरी चीज़ है, सांस लेने में ऑक्सीजन इस पाइप से सीधे
उन वार्डों में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है नीरज जी की पूरी टीम के द्वारा, जिन जहां पर ऑक्सीजन की सबसे सख्त जरूरत है। नीरज जी, एक यहां पर बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है, यहां पर कुछ ये सिलेंडर इनकी फीलिंग आप कैसे करते हैं? इनकी फीलिंग यहां पे नहीं होती है, ये फीलिंग दूसरी जगह से होके आती है। अगर खुदा ना खास्ता इस सिलेंडर को हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं, अगर प्लांट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, कोई दिक्कत आ गई, मेंटेनेंस करना पड़ गया, इसके थ्रू हम सप्लाई दे देते हैं, प्लांट में अपना रिपेयरिंग कर लेते हैं। ये इमरजेंसी सेवा के लिए हमने सिलेंडर को लगा रखा है। यहाँ जो जिस तरीके से ये आप ऑक्सीजन सिलेंडर देख रहे होंगे, इनको नीरज जी ने अपने ही प्लांट से भर के यहाँ पर दूसरी जगह से भर के इसी ऑक्सीजन को यहाँ पर रखवाया हुआ है। उनका साफ तौर से कहना है, कभी हमें अपने प्लांट में किसी भी तरीके की कोई भी इमरजेंसी आ गई, उसको बंद करना पड़ा, तो अस्पतालों में सप्लाई हम ऑक्सीजन की नहीं बंद करेंगे, इतना इंतज़ाम हम करके चलते हैं जिससे किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय स्थिति ना पैदा हो, ऑक्सीजन अस्पतालों में ना पहुंचे, अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का पूरा इंतज़ाम 50 घंटे में रीवा के अस्पतालों में ये किया गया है। 50 घंटे में सुपर अस्पताल का यहाँ पर जो भी है ऑक्सीजन रूम, वार रूम इसको कहा, आज की तारीख में इसको वार रूम ही कहा जा सकता है, बनकर तैयार है। बस अब सबसे बड़ी बात है कि 100 सिलेंडर की कैपेसिटी यहाँ पर रोज है, 100 ऑक्सीजन सिलेंडर के बराबर की सप्लाई रीवा के अस्पतालों में यहाँ पर स्वयं की हो रही। एक बहुत बड़ी समस्या से रीवा के अस्पतालों ने निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर लिया। यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों, प्रशासनिक अमले के साथ, अस्पताल के यहाँ के विभाग के साथ, यहाँ की जो नीरज जी की जो जिस तरीके की टीम ने यहाँ लगकर 24 घंटे काम किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। ये हमारी टीम के मेंबर हैं। आपका नाम भी है? विजेंद्र कुमार जी। विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमार। दीपक कुमार। इन्होंने फुल सपोर्ट किया मुझे, तभी मैं इस प्रोग्रेस को इतनी जल्दी और इतनी अच्छे से कर पाया हूँ। मेरी कंपनी का नाम इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। विजेंद्र कुमार जी और दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, नीरज जी, तीनों लोग को न्यूज नेटवर्क की टीम रीवा की ओर से आपको सलाम करती, आपके जज्बे को सलाम करती। आपने जो 50 घंटे में कारनामा करके दिखाया वो अपने आप में बेमिसाल है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।